कैसा रहा आपका जीवन? मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, बहुत वंडरफुल रही है, कल का दिन छोड़ के, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं बाहर आऊँगी। तो आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बाहर? लव, आई थिंक जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे थे या खेल ही नहीं रहे थे, उन्हीं को ही बाहर आना चाहिए था, वही डिजर्विंग थी कैंडिडेट बाहर आने के लिए। घर में रहने के लिए नहीं, 9 वीक्स निकाले उन्होंने अपने लक पे, अभी आई थिंक हो गया था। पुनीश को कितना मिस करी हूँ ये तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बट देन इट्स अ हैंड ऑन माई हार्ट एंड बहुत चीज़ें हैं अभी बोलने की, तो चुप हो। अब बाहर बहुत सारी बातें चल रही थी आपके पुनीश के बारे में कि जो आपकी लव स्टोरी चल रही है वो एक TRP के लिए है, नहीं उस बारे में आप क्या रिएक्शन? आपको ऐसा लगा? नहीं है, लोगों का कहना है। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको ऐसा लगा? नहीं, हमें तो नहीं लगा, ऐसा है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ फेक नहीं है। तो क्या रिएक्शन देना चाहोगे उस पर, मतलब क्या कैसे जस्टिफाई करना चाहोगे? मुझे आई थिंक जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, आप आज का एपिसोड देखोगे तो आपको हाफ जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़, वो फेक बिल्कुल भी नहीं था, Day 1 से लेके Day 61, 62 तक जब तक मैं रही हूँ वहाँ पे, एंड आगे भी जब तक हम साथ रहेंगे वो फेक कभी था ही नहीं ना होगा, आपको सलमान ये क्लियर कर देंगे आज ही। अच्छा, कल हमने देखा आकाश का कहना था कि अगर आप बाहर आ जाते हो तो पुनीश और शिल्पा। आकाश बहुत रबिश कमेंट्स करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, बिकॉज अभी उनको कुछ मिल नहीं रहा है शो में, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। एंड इस बात पे सलमान ने भी उनको डांटा है कि ये बहुत ही स्टूपिड था आकाश का ये बोलना कि शिल्पा को पुनीश मिल जाएगा या पुनीश को शिल्पा मिल जाएगा, उन दोनों में बहुत एज डिफरेंस है, एंड उनका एक बहुत प्योर डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है शो में Day 1 से। मैं तो नहीं थी शिल्पा के साथ Day 1 से, बट पुनीश रहे हैं Day 1 से साथ में, सो आई थिंक दिस वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ आकाश टू से, ऐसा नॉनसेंस कमेंट था वो। और शिल्पा के साथ अभी जो हो रहा है आरशी, आई थिंक अर्शी बहुत ही गलत कर रही है। अर्शी अभी कंफ्यूज हो चुकी है कि उसे हिना के साथ रहना है या उसे विकास के साथ रहना है या उसे वापस शिल्पा के पास जाना है, जो कि उसके लिए बहुत प्रॉब्लम करने वाला है गेम में बहुत ही जल्द। वो एक जगह स्टिक थी तो बहुत सही चल रही थी वो विकास के साथ, बट अभी विकास के साथ प्रियंका आ चुके हैं, शिल्पा हट चुकी है, एंड हिना ऑब्वियसली उसे अपने साथ रखने नहीं वाली है, आप आगे वाले आने वाले टाइम में देखने वाले हो। तो अर्शी स्टूपिड चीज़ कर रही है। हिना खान के बारे में आप क्या? हिना खान के बारे में मैं ना ही बोलूँ तो ही सही है। हिना खान आई थिंक शो में अगर मैं किसी को वर्स बोलूँगी तो वो हिना खान ही है। इवन बींग ए सेलिब्रिटी इतनी बड़ी जो वो बोलती भी है एंड वो शायद हैं भी, उन्होंने वैसा कुछ नहीं दिखाया है, एंड वो लीस्ट अगर किसी में ह्यूमैनिटी है तो वो हिना खान में है। मीन होके कोई गेम खेलता है तो वो हिना खान है, किसी को सपोर्टर्स की ज़रूरत है तो हिना खान है, कोई इनसिक्योर है पूरी गेम में 100% तो वो हिना खान है। कॉमनर से भी वो फर्स्ट डे से इनसिक्योर है। उनका रोना धोना वो बहुत वो ऐसे कि सुई चुभी, अरे किसी ने देखा नहीं देखा, अरे पहले रोती हो फिर दिखाती हो, देखो सुई चुभी, पहले 15 मिनट रोऊंगी, ये हिना खान है। वो इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताती है ताकि सबको पता चले कि हिना खान के साथ ये हुआ था, सुई चुभी थी। घर में सबसे बड़ा ड्रामेबाज अगर हम जाने तो कौन आपके हिसाब से? हिना। सबसे इरिटेटिंग? इरिटेटिंग आकाश। क्यों ऐसा? दादलानी, बिकॉज वो भूल जाते हैं कि एंटरटेनमेंट करते 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 उनका एंटरटेनमेंट कुछ और जोन में चला जाता है और वो इरिटेटिंग हो जाता है फिर, और कभी कभी अर्शी भी। और ये पुनीश और आकाश का जो फाइट हो रहा है क्या लगता है, मतलब कौन इसका जिम्मेदार है और क्यों हो रहा है? आई थिंक आकाश शायद थोड़ा बचपना दिखाया गया वो कैप्टेंसी टास्क में, वो चाहता था कि पुनीश उसको बचाए एंड पुनीश बचाना भी चाहता था, लेकिन आकाश के ऑपोजिट थे हितेन, जो कि घर वालों के और पूरी इंडिया के अकॉर्डिंग बनने चाहिए थे उस टाइम कैप्टन, एंड आकाश बच भी नहीं सकता था अगर पुनीश हितेन को हटा भी देते तो। जो छोटी सी चीज़ उन्हें समझ नहीं आई जिस वजह से उन्होंने इतना बवाल किया, फ्रेंडशिप तोड़ी, वो गलत थी, वो पुनीश के भी दिल पे बहुत लगी कि BP लो हो गया, देन इंजेक्शंस लगे, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। आई थिंक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा अब। हिना खान वॉज, आकाश इरिटेटिंग, विकास वेरी स्मार्ट, लव डम, प्रियांक प्रियांक के लिए आई डोंट वांट टू कमेंट, हेट्रेड, हितेन
हितेन स्टार्ट प्लेइंग. शिल्पा वेरी स्मार्ट. आर्शी आर्शी क्रूल. एंथोनीश लव.